हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? ठीक है। तो आज बच्चों हमारी क्रैश कोर्स क्लास नंबर 6 है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में स्टूडेंट हम लोगों ने कंडक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, रेडिएशन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, उसकी सारी कंडीशन को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी के आगे से बात करना स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि कल जो हमने आपको डीपीपी दी थी वो आप लोगों को समझ आई होगी और उसकी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने बनाई होगी। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 4 बजे शाम को हम लोग लाइव नहीं आ पाए। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि शाम को 4 बजे या 4:30 बजे आप लोगों के सामने हम लोग लाइव आएँ, और जितनी भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जितना भी हमने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है क्रैश को लेकर, उन सब की डिटेल्स, उन सब की प्रॉब्लम्स को हम आपके साथ में डिस्कस करें। अच्छा बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं हमारे पास में कि बायोलॉजी की क्लास नहीं चल पा रही है। देखिए, बायोलॉजी वाले टीचर के साथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसी वजह से क्लास नहीं हो पा रही है। मंडे से आप लोगों की क्लास कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है? सो स्टूडेंट, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बच्चों, जो हमारा पहला टॉपिक है आज की क्लास में, वह है वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, या जिसे हम लोग वीन लॉ के नाम से भी जानते हैं। देखिए, आज की क्लास में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, वह है वीन लॉ। इसे हम लोग बोलते हैं वीन लॉ। अब बेसिकली वीन लॉ है क्या, आप ये देखिए। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास में एक बॉडी है बच्चों, कुछ इस तरीके से, ठीक है? हमारे पास में कुछ इस तरीके से एक बॉडी है, और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वैसे तो अलग अलग है, वेरी कर रहा है। एक बार एक टेम्परेचर है, एक बार एक टेम्परेचर है, एक बार एक टेम्परेचर है, और बॉडी के अंदर से रेडिएशन बाहर निकल रही है कुछ इस तरीके से। रेडिएशन माना कि जो रेडिएशन बाहर निकल रही है उसकी जो वेव लेंथ है, मेरी बात पर गौर करिएगा, उसकी जो वेव लेंथ है वो हमें दी गई है लैम्डा। बॉडी का टेम्परेचर हमें दिया गया है टी। सो वीन लॉ के अकॉर्डिंग बॉडी के अंदर से जो रेडिएशन बाहर निकलने वाली है, देखो हमने कल की क्लास में बात की थी कि प्रीवोस्ट की थ्योरी क्या कहती है। प्रीवोस्ट की थ्योरी ये कहती है कि जिस बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से हल्का सा भी ज़्यादा है, उस बॉडी के अंदर से रेडिएशन बाहर निकलती है, और उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। स्टूडेंट, उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ होगी वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा लैम्डा उतना कम होगा, और टेम्परेचर जितना कम होगा लैम्डा उतना ज़्यादा रहने वाला है बच्चों, ठीक है? अगर मैं एक काम करूँ, मैं प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाऊँ यहाँ से, और प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाऊँ तो ये बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू बी अपॉन टी। सो बी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टी, ये कंडीशन बच्चों हमारे पास में बन गई। ये जो बी आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इस बी को हम लोग बोलते हैं वीन कांस्टेंट। इस बी को हम लोग बोलते हैं वीन कांस्टेंट। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, बी हमारा वीन कांस्टेंट कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी। बी हमारा वीन कांस्टेंट कहलाएगा। और अगर एक छोटा सा नोट पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस करूं, देखिए ध्यान से भाई, बी इज इक्वल टू लैमडा टी हो गया। पहले तो ये देखिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मान लीजिए कि मार्कर है, मार्कर का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है अभी, तो क्या होगा, मार्कर के अंदर से रेडिएशन बाहर निकलेगी। अच्छा, जो भी रेडिएशन बाहर निकलती है उसकी वेवलेंथ कोई ना कोई जरूर होती है, क्योंकि रेडिएशन हमेशा वेव की फॉर्म में निकलती है, और वेव की कोई ना कोई लंबाई जरूर होगी, उसे हम वेवलेंथ का नाम देंगे। तो बॉडी के अंदर से जो रेडिएशन बाहर निकलेगी वो बॉडी के टेम्परेचर के ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ये कंडीशन हमारे सामने बन गई। आप ये देखिए कि अगर मैं आपके सामने एक सिचुएशन बनाता हूँ, मान लीजिए कि एक बॉडी है मेरे पास में, बॉडी का टेम्परेचर है T1, एक दूसरी बॉडी है मेरे पास में, इस बॉडी का टेम्परेचर है T2। होता क्या है बच्चों, इस बॉडी के अंदर से जो वेवलेंथ बाहर निकलती है उसकी वैल्यू है λ1, और इसके अंदर से जो वेवलेंथ बाहर निकलती है उसकी वैल्यू है λ2। सो वेवलेंथ λ1, टेम्परेचर T1, तो ये हो जाएगा λ1 T1 इज इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर 1 इसके मुताबिक, क्योंकि बी तो कांस्टेंट है,
दूसरी कंडीशन में लैम्डा टू टी टू इज इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर सेकेंड. सो लैम्डा वन टी वन इज इक्वल टू लैम्डा टू टी टू. ये भी बच्चों हमारे पास में एक फॉर्मूला हो सकता है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन जाए. लैम्डा वन यहां से निकलने वाली वेवलेंथ और इसी बॉडी का टेम्परेचर, लैम्डा टू यहां से निकलने वाली वेवलेंथ और टी टू इसी बॉडी का टेम्परेचर. लैम्डा वन टी वन इक्वल टू लैम्डा टू टी टू, ये हमारे पास में कॉन्स्टेंट है और ये लॉ बच्चों हमारे पास में वीन लॉ कहलाएगा. कुछ इस तरीके से वीन लॉ की कंडीशन हमारे सामने आने वाली है. उम्मीद करते हैं कि वीन लॉ की बात आप लोगों को समझ में आई होगी. ठीक है, ओके बच्चों, तो अभी हम लोग बात करते हैं कि वीन लॉ को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं. देखो वीन लॉ में हमारे सामने एक ग्राफ आता है बच्चों, वाई एक्सिस पर होती है एनर्जी, एक्स एक्सिस पर होती है वेवलेंथ. मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया, वाई एक्सिस पर है एनर्जी और एक्स एक्सिस पर है वेवलेंथ. वेवलेंथ ध्यान से, ओके, क्या कंडीशन हमारे सामने बनने वाली है आप ये देखिए. पहला ग्राफ कुछ इस तरीके से, दूसरा ग्राफ कुछ इस तरीके से, तीसरा ग्राफ कुछ इस तरीके से. ये तीन ग्राफ हमारे सामने बने स्टूडेंट. अब ग्राफ किस बात को रिप्रेजेंट करेंगे आप ये देखिए. देखो भाई, इसके पीक पॉइंट को मैंने नीचे मिला दिया और ये वेवलेंथ कहलाई लैम्डा वन. इसके पीक पॉइंट को हमने यहां मिला दिया, ये वेवलेंथ कहलाई लैम्डा टू. इसके पीक पॉइंट को हमने यहां मिला दिया, ये वाली वेवलेंथ कहलाई लैम्डा थ्री. ये वेवलेंथ लैम्डा वन, ये लैम्डा टू, ये लैम्डा थ्री. अब आप एक बात देखिए, जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोगों ने, जिसकी वेवलेंथ कम है उसका टेम्परेचर ज्यादा है. अब बताओ सबसे कम वेवलेंथ कितनी है. देखो लैम्डा वन इतना है हमारे पास में, लैम्डा टू इतना है हमारे पास में और लैम्डा थ्री इतना है हमारे पास में. कोई मुझे बताएगा कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी है. ध्यान से, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, लैम्डा वन सबसे कम है. तो इसका जो टेम्परेचर रहा होगा टी वन, इसका टेम्परेचर टी टू, इसका टेम्परेचर टी थ्री. सो हम कहेंगे टी वन इज ग्रेटर देन ऑफ टी टू इज ग्रेटर देन ऑफ टी थ्री. ये कंडीशन हमारे सामने बनने वाली है स्टूडेंट, और ये हमारा वीन डिस्प्लेसमेंट कर्व कहलाएगा. वीन डिस्प्लेसमेंट कर्व, बहुत मामूली सी बात ये कर्व हमारा बताकर जाता है, जिसकी वेवलेंथ कम है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसका टेम्परेचर कम है. तो वही कंडीशन हमने आपके सामने बना दी. हो सकता है कि आप लोगों से ग्राफ के बारे में पूछ लिया जाए, कुछ इस तरीके से आप ग्राफ के बारे में बताएंगे. तो बच्चों इस टॉपिक के साथ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है. डीपीपी हम आपको दे चुके हैं जिसके ऊपर से प्रॉब्लम बन जाती है. आप अपनी डीपीपी की सारी प्रॉब्लम्स को लगाएं और कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें कि भाई आप लोगों को प्रॉब्लम आ कहां रही है. मैंने जैसा कि पहले भी आप लोगों को बताया था, आने वाले संडे में यानी कल हम लोग पूरा एक वर्कशॉप रखेंगे, जिसके अंदर जितनी भी अभी तक आप लोगों को थर्मोडायनामिक्स के अंदर प्रॉब्लम आई है, जो हमने आपको पढ़ाया है, वो प्रॉब्लम्स आप हमारे साथ में डिस्कस करेंगे कि सर कहां कहां हमें प्रॉब्लम आ रही है. फिर हम लोग एक लाइव क्लास लेकर उन्हीं प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई कहां आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट. तो इसके साथ हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट. आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लगाएं और प्रॉब्लम लगाने के बाद में अपने डाउट डिस्कस करें. ओके स्टूडेंट, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं. अच्छा बच्चों, इसके तुरंत बाद अब हमारे पास में नया चैप्टर स्टार्ट होता है थर्मोडायनामिक्स के अंदर, क्योंकि मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे से ही कहा था कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर बच्चों हमारे पास में ना तीन टॉपिक आते हैं. एक टॉपिक जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एक टॉपिक जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और एक टॉपिक जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, तो यहां से हम लोग बात करने वाले हैं केटीजी यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की. ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेसिकली है क्या. देखिए हमारे पास में टॉपिक आने वाला है स्टूडेंट केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हम लोग जैसा कि हम लोगों ने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में किया, हम लोग वही बात इसके अंदर पढ़ के चलेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं. फालतू की बात हम लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़नी है. ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बातें बता रहा हूं उन्हें आपको ध्यान से सुनना है. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, देखिए K
केटीजी के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट बच्चों हमारे पास में आता है वो आते हैं गैस लॉज। केटीजी के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में आता है उन्हें हम लोग बोलते हैं बच्चों गैस लॉज, ठीक है। और देखिए गैस लॉज में जो सबसे पहला हमारे पास में गैस का लॉ आता है वो कहलाता है बच्चों हमारे पास में बॉयल्स लॉ। ध्यान से, गैस लॉज में जो सबसे पहला लॉ हमारे पास में आता है दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों बॉयल्स लॉ की, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए मैं बॉयल्स लॉ को पहले रोक कर आप लोगों को एक अच्छी बात बताता हूँ बच्चों। कोरोना वायरस की वजह से आप लोगों का जो नीट का एग्जाम है या जेई का एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो गया है। अब आपका एग्जाम मई के लास्ट वीक में होगा, मई के लास्ट वीक में भी हो सकता है, जून के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, डिपेंड ऑन CBSE और NTE, NTA के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी अभी तक उन लोगों को जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसके मुताबिक मई के एंड तक आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड रहना है। होना कब है एग्जाम वो हम लोगों को नए नोटिस के अंदर बताया जाएगा। तो बच्चों बेसिकली हम दोबारा से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, जो हमारे पास में लॉ का नाम है वो है बॉयल्स लॉ। अब देखते हैं कि बॉयल्स लॉ में क्या क्या कंडीशन बन सकती है और कैसे कैसे हम लोगों से प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, ये हम लोगों को इसके अंदर डिस्कस करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं बॉयल्स लॉ क्या है। बच्चों बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ ये कहता है व्हेन टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, ध्यान रखिएगा, व्हेन टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। व्हेन टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। लेकिन याद रखना सबसे महत्वपूर्ण बात यह है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी वॉल्यूम को अगर आप बढ़ाओगे तो प्रेशर उसी के अकॉर्डिंग कम हो जाएगा और वॉल्यूम को अगर आप घटाओगे तो प्रेशर उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। अब यहां से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, जैसे ही हम लोग इसे सॉल्व करेंगे सो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास में कंडीशन निकल कर आती है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, देखिए जरा, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया और हम लिख सकते हैं प्रेशर, वॉल्यूम को हम लोगों ने लिख दिया मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी हम लोगों ने ये लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब तुम यार हमें एक बात बताओ, किसी भी गैस का जो मास रहने वाला है वो भी कॉन्स्टेंट होगा या नहीं होगा? अगर किसी भी गैस के मास की हम बात करते हैं वो भी कॉन्स्टेंट होगा। देखो प्रेशर तो कॉन्स्टेंट हो नहीं सकता है बॉयल्स लॉ में, क्यों? मॉलिक्यूल नजदीक भी आते रहेंगे पास भी जाते रहेंगे, जिसकी वजह से प्रेशर वेरी करता रहेगा। डेंसिटी भी कॉन्स्टेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने अगर वॉल्यूम को घटाया तो मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आ जाएंगे, डेंसिटी चेंज हो जाएगी। हाँ मास जरूर कॉन्स्टेंट है, क्योंकि किसी भी कंटेनर के अंदर अगर आपने 1 किलोग्राम गैस को डाला है तो आप उसे कितना भी एक्सपैंड कर दो या कितना भी कंप्रेस क्यों ना कर दो, वो गैस का मास 1 किलोग्राम ही रहने वाला है, उसके मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बच्चों मास हमारा कांस्टेंट है, तो कंडीशन हमारे पास में बन गई प्रेशर अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारे पास में सेकेंड प्रोसेस इक्वेशन है। सो फर्स्ट प्रोसेस इक्वेशन बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कंडीशन हमारे सामने बन गई। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों हमारे पास में, प्रेशर अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और याद रखिएगा इसके अंदर भी टेम्परेचर हमारा कॉन्स्टेंट के ही बराबर है, टेम्परेचर यहां भी हमारा कॉन्स्टेंट के बराबर है, तो क्या रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आएगा? रिजल्ट निकल कर आएगा, नोट पॉइंट मैं आपके सामने बना देता हूं, रिजल्ट ये निकल कर आएगा, इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यदि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ध्यान से बात सुने, यदि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है सो P1V1 इज इक्वल टू P2V2, एक फॉर्मूला तो हमारा ये बन गया। आपको सिर्फ पहचान करनी है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है या नहीं है, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो आप ये फॉर्मूला बड़े आराम से बड़े प्यार से अप्लाई कर सकते हैं।
सेकंड कंडीशन क्या बनेगी बच्चों हमारे पास में, सेकंड कंडीशन बनेगी पी वन अपॉन रो वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन रो टू। सेकंड कंडीशन हमारे सामने ये बन जाएगी पी वन अपॉन रो वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन रो टू। तो बच्चों ये बॉयल्स लॉ को लेकर सारी सिचुएशंस हैं जो हमने आपके सामने यहां लिखी हुई है। बॉयल्स लॉ में ये सारी सिचुएशंस हमारे सामने आ सकती हैं। दो फॉर्मूले हैं आपके पास में, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, दूसरा फॉर्मूला है पी वन अपॉन रो वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन रो टू। देखिए अभी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि अगली सिचुएशन क्या है। देखिए भाई जैसे कि हमने लिखा प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की कंडीशन में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ मिलता है बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ हम लोगों को मिलेगा। दूसरी सिचुएशन क्या है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अप सॉरी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी। देखो महत्वपूर्ण बात है, सुनने लायक बात है, आप ध्यान रखिएगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पूरे वन अपॉन वी की बात हो रही है, इधर पी की बात हो रही है। वाई एक्सिस पर हमने पी को रखा, एक्स एक्सिस पर हमने वन अपॉन वी को रखा और दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। नेक्स्ट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ बच्चों मिलने वाला है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो बच्चों कुल मिलाकर ये ग्राफ हम लोगों को मिलने वाले हैं। एक और ग्राफ आप देख लीजिए, इस बार हम ग्राफ बना रहे हैं पीवी में, वी में या पी में। देखो मैंने आपसे कहा था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी भी कांस्टेंट के ही बराबर होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप जानते हो ये वाला ग्राफ क्यों मिला? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये वाला ग्राफ क्यों मिला स्ट्रेट लाइन? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। अब यहां आ जाते हैं हम लोग। अब तुम ग्राफ में ये कहा गया कि तुम V या P की वैल्यू कुछ भी रख लो, वॉल्यूम की जगह या प्रेशर की जगह, तुम कोई भी वैल्यू पुट कर लो, हमेशा PV की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा, हमेशा PV हमारा कांस्टेंट रहेगा, भले ही हम वॉल्यूम या प्रेशर की जगह कोई भी वैल्यू क्यों ना पुट कर दें। तो कुल मिलाकर बच्चों इतने सारे ग्राफ हम लोगों को मिलने वाले हैं बॉयल्स लॉ में। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया अभी तक हमने सिर्फ दो सिचुएशन पढ़ी है। पहली सिचुएशन, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो पीवी कांस्टेंट के बराबर है और प्रेशर अपॉन डेंसिटी भी कांस्टेंट के बराबर है। ये हमारा बॉयल्स लॉ है, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है ये हमारा बॉयल्स लॉ है, और ये चार ग्राफ जो मैंने आपके सामने बनाए हैं ये हमारी बॉयल्स लॉ की कंडीशन है बच्चों। अब हम ये देखते हैं कि यार बॉयल्स लॉ के ऊपर ग्राफिकल प्रॉब्लम बनती कैसे है, कैसे ग्राफ की प्रॉब्लम आप लोगों से पूछी जाएगी, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम आप लोगों से पूछी कैसे जाएगी। एग्जाम्पल नंबर वन, वाई एक्सिस पर है प्रेशर, एक्स एक्सिस पर है वन अपॉन वॉल्यूम। भाई ध्यान से जरा, हमारे सामने दो ग्राफ आए, माना कि इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2। आपको बताना है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है और किसका टेम्परेचर कम है। देखो जो मैं बताऊंगा बस उसे फॉलो करके चलना है, ईमानदारी से, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। आपको एक काम करना है, आपको स्लोप निकालना है। स्लोप, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, और इसे निकालने का तरीका ना बड़ा आसान है बच्चों। आप देखो वाई एक्सिस पर कौन है, बताओ वाई एक्सिस पर कौन है? वाई एक्सिस पर है प्रेशर, यहां रख दो प्रेशर को, रख दिया प्रेशर को। एक्स एक्सिस पर कौन है? एक्स एक्सिस पर है वन अपॉन वॉल्यूम, यहां रख दो वन अपॉन वॉल्यूम को।
रख दिया 1/अपॉन वॉल्यूम को, अब इस वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर दो यहां पर ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया पीवी, टेन थीटा इज इक्वल टू पीवी, हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू पीवी। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू पीवी, सो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग यार पहले से जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, पीवी इक्वल टू एनआरटी या पीवी इज इक्वल टू आरटी, बताओ जानते हैं या नहीं जानते हैं। ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, या जिसे नहीं पता है वो यहां से देख ले, पीवी इक्वल टू आरटी के इक्वल होता है। तो बताओ टेन थीटा किसके बराबर आया, टेन थीटा बराबर आ गया है आरटी के, टेन थीटा इज इक्वल टू आरटी, टेन थीटा इज इक्वल टू आरटी। तो अब आप एक बात देखो, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसी का एंगल ज्यादा होगा, साफ साफ कहा जा रहा है, एक्स एक्सिस से जिसका एंगल ज्यादा है, ये जो थीटा मापा जाता है ना बच्चों, ये एक्स एक्सिस से मापा जाता है, एक्स एक्सिस से जिसका एंगल ज्यादा है उसी का टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपको दिख रहा होगा दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो एक्स एक्सिस से किसका एंगल ज्यादा है, एक्स एक्सिस से इसका एंगल इतना है, इसका एंगल इतना है, साफ साफ तुम्हें दिख रहा है किसका एंगल ज्यादा है किसका एंगल कम है, इसका एंगल ज्यादा है इसका एंगल कम है, सो टी वन इज ग्रेटर देन ऑफ टी टू, टी वन क्या हो जाएगा ज्यादा और टी टू क्या हो जाएगा कम, तो ये कंडीशन हमारे सामने आने वाली है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से हम ग्राफिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक और देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास में, एग्जाम्पल नंबर टू देखिए स्टूडेंट क्या होने वाला है। एग्जाम्पल नंबर टू में वाई एक्सिस पर है प्रेशर, एक्स एक्सिस पर है डेंसिटी, अगेन वही दो सिचुएशन है, यहां का टेम्परेचर टी वन है, यहां का टेम्परेचर टी टू है, ठीक है। हमें बताना है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है और किसका टेम्परेचर कम है, इजी है। देखो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं, बड़ा आसान सा काम है। सबसे पहले आप लिखिए टेन थीटा, ठीक है, लिखा टेन थीटा। अब बताइए वाई एक्सिस पर कौन है प्रेशर, यहां लिख दीजिए प्रेशर, एक्स एक्सिस पर कौन है डेंसिटी, यहां लिख दीजिए डेंसिटी, प्रेशर अपॉन डेंसिटी। उसके बाद देखिए आप प्रेशर, देखो डेंसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर, पीवी अपॉन कैपिटल एम, पीवी को लिखा जा सकता है आरटी अपॉन कैपिटल एम। अब तो मुझे एक बात बताओ, ये थीटा और ये टी, बताओ दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, भाई थीटा भी ऊपर है और टी भी ऊपर है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सीधा सा मतलब यह है कि जिसका एंगल ज्यादा है उसी का टेम्परेचर ज्यादा है। एंगल कहां से देखना है, एंगल देखना है एक्स एक्सिस से, तो देखो एक्स एक्सिस से किसका एंगल ज्यादा है, एक्स एक्सिस से टी वन का एंगल इतना है, टी टू का एंगल इतना है, सो टी वन इज ग्रेटर देन ऑफ टी टू, क्योंकि टी वन का एंगल ज्यादा हो रहा है और टी टू का एंगल कम हो रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमें ग्राफिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये ग्राफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है। तो मैं आप लोगों को दो वर्ड्स में ये बता देता हूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने ये पढ़ा बॉयल्स लॉ, ये कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तीन बातें बॉयल्स लॉ बताता है, और इन तीनों बातों के लिए खास बात यह है कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट, जो हमारी मेन बात है बच्चों, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी। एग्जाम पीछे हटने से कम हमें इतना फायदा हो गया है कि अब हम लोग और टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। भाई 2 मई में एग्जाम था तो हम लोगों ने 17-18 टॉपिक निकाले थे कि 17-18 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। अब एग्जाम थोड़ा पीछे हो गया है तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा और अच्छे तरीके से टॉपिक को कवर कर पाएंगे और डिटेल में जाकर उन टॉपिक को पढ़ पाएंगे। बस हम लोग आप लोगों से सिर्फ एक बात चाहते हैं बच्चों, ईमानदारी के साथ आप लोग पढ़ें, जो आप लोगों को डीपीपी दी जा रही है उसे समय पर सॉल्व करें, जितनी भी बातें बताई जा रही हैं उन्हें सही तरीके से सॉल्व करें, और अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ में डिस्कस करें, हमारे साथ में अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। हमें आप व्हाट्सएप करें, कॉल करें, कमेंट्स करें, कोई इशू नहीं है, हम आपकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादातर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके बच्चों, चलिए तो बच्चों अब हम बात करते हैं गैस लॉ नंबर 2, जिसका नाम है स्टूडेंट चार्ल्स लॉ। अभी हम लोगों को बात करने वाले हैं बच्चों चार्ल्स लॉ की, चार्ल्स लॉ, ठीक है।
देखिए चार्ल्स लॉ क्या कहता है, बात को आप लोगों को समझना है स्टूडेंट। चार्ल्स लॉ ये कहता है व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, जब प्रेशर कांस्टेंट है सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन शर्त क्या है आपको ध्यान देनी है, शर्त यह है कि प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ये बन जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू के टी, वी इज इक्वल टू के टी, या हम ये लिख सकते हैं कांस्टेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम, कांस्टेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम। ये फर्स्ट कंडीशन बन गई है स्टूडेंट हमारे पास में, ठीक है, ये पहली कंडीशन है, याद रखना है जो आप लोगों को बताया गया है। प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, यदि प्रेशर कांस्टेंट है तब वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर कांस्टेंट के बराबर है। इसके बाद की कंडीशन हम लोग देखते हैं बच्चों, इसके बाद की कंडीशन क्या होगी। देखिए वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब मास तो यार ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, बताओ तुम लोग होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अगर मास कांस्टेंट है तो ये प्रोपोर्शनलिटी में चला जाएगा और कंडीशन हमारे पास में बन जाएगी डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो स्टूडेंट हमारे पास में दो रिजल्ट आ गए, पहला रिजल्ट वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दूसरा रिजल्ट डेंसिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करूं बच्चों तो न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करने पर रिजल्ट ये बनेगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। हमारे पास में जो रिजल्ट ये बनेगा वो ये बनेगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। दूसरा रिजल्ट बनेगा Rho1 T1 इज इक्वल टू Rho2 T2। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं इन क्वेश्चंस में सबसे मुश्किल काम ये रहता है कंडीशन की पहचान करनी। मैं आप लोगों को जब प्रॉब्लम कराऊंगा तब इसमें कंडीशन की हम पहचान करेंगे। ये फॉर्मूले तभी एप्लीकेबल है जब प्रेशर हमारे पास में कांस्टेंट के बराबर है। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है ना बच्चों तो ये फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं है। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, ये फॉर्मूले हमारे तभी एप्लीकेबल हैं जब प्रेशर हमारा कांस्टेंट के बराबर है। अच्छा अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्राफिकल कंडीशन। देखो बहुत ज़्यादा ग्राफ की बात तो हम नहीं करेंगे इसके अंदर, सिर्फ दो टाइप के ग्राफ की हम बात करेंगे। यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ डेंसिटी है, यहाँ टेम्परेचर है, क्योंकि मैं आप लोगों को अभी जस्ट ग्राफ प्लॉट करना सिखा चुका हूं कि कैसे आप ग्राफिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ये स्ट्रेट लाइन प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगी। किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा दूसरी कंडीशन में डेंसिटी और टेम्परेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हमारी सारी की सारी चार्ल्स लॉ की कंडीशन है बच्चों, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हमारे पास में कंडीशन बन गई, एक सिचुएशन हमारे पास में ये बन गई, और ये हमारे पास में दो फॉर्मूले आ गए और दो ग्राफ आ गए। बड़ा ईजी है, बड़े आराम से आप लोग कर सकते हैं, जो जो सिचुएशंस आपको बताई हैं उन्हें ध्यान रखेगा। अब देखते हैं कि चार्ल्स लॉ के ऊपर अगर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ग्राफिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। देखो वाई एक्सिस पर है वॉल्यूम, एक्स एक्सिस पर है टेम्परेचर। मैंने ग्राफ बनाया आपके सामने दो, ये P1 प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, ये P2 प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों हमें बताना है कि किसका प्रेशर ज्यादा है और किसका प्रेशर कम है। देखो आसान है, कैसे बताएंगे, मैंने आपसे कहा था कि पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आप लिखो tan थीटा, फिर देखो y एक्सिस पर कौन है, y एक्सिस पर है वॉल्यूम, फिर देखो x एक्सिस पर कौन है, x एक्सिस पर है टेम्परेचर। हमने लिख दिया वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, लिख दिया ना वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, tan थीटा इज इक्वल टू v अपॉन t। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, आप ये देखो भाई हमारे पास में सिचुएशन होती है PV इज इक्वल टू RT। हम यहां से वॉल्यूम की वैल्यू निकालते हैं, वॉल्यूम आ जाएगा RT अपॉन P,
वॉल्यूम आ गया है आर टी अपॉन पी, और इस वॉल्यूम को यहां से उठाकर इस वॉल्यूम की जगह जब हम पुट करेंगे तो ये आएगा आर टी अपॉन पी, साथ में है टी, टी से टी कैंसिल आउट। देखो ध्यान से, टेन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, टेन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी जिसका एंगल ज्यादा है उसका प्रेशर कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया है बच्चों, याद रखिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका एंगल ज्यादा है उसका प्रेशर कम है। किसका एंगल ज्यादा है? P1 का एंगल ज्यादा है और P2 का एंगल कम है, सो P2 इज ग्रेटर देन ऑफ P1, प्रॉब्लम सॉल्व। हमने बता दिया है कि किसका प्रेशर ज्यादा है और किसका प्रेशर कम है स्लोप के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द स्लोप, स्लोप के मुताबिक हमें प्रॉब्लम को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखो नेक्स्ट हमारे पास में अगली कंडीशन आई, डेंसिटी और वन अपॉन टेम्परेचर। डेंसिटी और वन अपॉन टेम्परेचर के बीच में हमें ग्राफ कुछ इस तरीके से दे रखा है, मान लेते हैं कि तीन ग्राफ दे रखे हैं। पहले ग्राफ का जो प्रेशर है वो P1 है, दूसरे ग्राफ का प्रेशर P2 है, तीसरे ग्राफ का प्रेशर P3 है। हमें बताना है कि किसका प्रेशर ज्यादा होगा और किसका प्रेशर कम होगा। अब कैसे बताएंगे आप लोग ये देखिए, मैंने आप लोगों से कहा कि ग्राफिकल प्रॉब्लम भले ही कैसी भी आप लोगों से आ जाए आपको बहुत ध्यान से काम करना है। पहला स्टेप ये रहेगा, फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास में रहने वाला है, हम एंगल देख लेते हैं, ये इनके एंगल है, सबसे ज्यादा एंगल P1 का है, फिर P2 का है, फिर P3 का है, फ्रॉम x एक्सिस जिसे हम लोग वन अपॉन टी कह रहे हैं वहां से इतना बच्चों हमारे पास में एंगल होने वाला है, ठीक है। इसके बाद की कंडीशन देखिए क्या होगी, अब हम लोग लिखते हैं tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू, देखो y एक्सिस पर क्या है, y एक्सिस पर है डेंसिटी, x एक्सिस पर क्या है, x एक्सिस पर है वन अपॉन टेम्परेचर, हो गया। t को ले जाते हैं ऊपर, तो ये हुआ डेंसिटी इंटू टेम्परेचर, हो गया ना, डेंसिटी इंटू टेम्परेचर। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से डेंसिटी को हम लोगों ने लिख दिया है मास अपॉन वॉल्यूम, साथ में है हम लोगों ने इसे लिख दिया है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, साथ में है टेम्परेचर। डेंसिटी को हमने लिख दिया है मास अपॉन वॉल्यूम, साथ में है टेम्परेचर। अब आप देखो कि हम वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, मैंने यहां वॉल्यूम की वैल्यू निकाली थी, पीवी इक्वल टू आर टी से वॉल्यूम निकाला था, कितना आया था वॉल्यूम, आया था आर टी अपॉन पी, वॉल्यूम की जगह लिख देते हैं आर टी अपॉन पी, टी से टी कैंसिल आउट, पी पहुंच जाएगा ऊपर, सो एम पी अपॉन आर। अब आप साफ साफ देखिए थीटा, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी जिसका एंगल ज्यादा है उसी का प्रेशर ज्यादा है। अब बताओ सबसे ज्यादा एंगल किसका है, P1 का है, सो P1 इज ग्रेटर देन ऑफ P2 इज ग्रेटर देन ऑफ P3, P1 सबसे ज्यादा होगा, फिर P2 होगा, फिर P3 होगा। तो बच्चों कुछ इस तरीके से हमें चार्ल्स लॉ को सॉल्व करना है, ये हमारे पास में चार्ल्स लॉ की कंडीशन है, ठीक है। ओके बच्चों आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, लास्ट सिचुएशन में हमारे पास में जो लॉ आता है इसे हम लोग बोलते हैं गे-लुसक लॉ, ठीक है। अब देखिए आप लुसक लॉ क्या कहता है, लुसक लॉ ये कहता है व्हेन वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लग जाएगा, पी इज इक्वल टू के टी, सो पी अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कंडीशन हमारे सामने बनने वाली है बच्चों, ये हमारा लुसक लॉ है। तीन सिचुएशन हमने आपके सामने बना दी है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ प्लॉट होगा, वाई एक्सिस पर है प्रेशर, x एक्सिस पर है टेम्परेचर, देखो ध्यान से y एक्सिस पर है प्रेशर, x एक्सिस पर है टेम्परेचर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। माना कि इसका वॉल्यूम है v1, इसका वॉल्यूम है v2,
हमें बताना है बच्चों कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है और किसका वॉल्यूम कम है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ गए होंगे। वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्राफिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप देख लो कि किसका एंगल कितना है। इसका एंगल ये है, इसका एंगल ये है। V1 का एंगल ज्यादा है, V2 का एंगल कम है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, tan थीटा इज इक्वल टू वाई एक्सिस पर कौन है प्रेशर, एक्स एक्सिस पर कौन है टेम्परेचर। अब आप देखो कि प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन के मुताबिक हम प्रेशर को लिख सकते हैं RT अपॉन V, PV इक्वल टू RT। बच्चों PV इक्वल टू RT, सो P की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, RT अपॉन V, अपॉन में ऑलरेडी टेम्परेचर है, कैंसिल आउट। सो tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये सिचुएशन बच्चों हमारे सामने बन गई, tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बड़ा इजी है भाई। सबसे पहले तो आप तीनों लॉज को अपने दिमाग में रखें कि भाई तीनों लॉज में क्या बताया जा रहा है। ये सिचुएशन आ गई, अब बताओ इसका मतलब क्या है। तुम मुझे बताओ इसका मतलब क्या है। प्रेशर था, टेम्परेचर था, हमें वॉल्यूम के टर्म में निकालना था, इसीलिए हमने P की जगह आइडियल गैस इक्वेशन के मुताबिक RT अपॉन V रख दिया। T से T कैंसिल आउट, ये सिचुएशन आ गई। अब इसका मतलब क्या है, जिसका एंगल ज्यादा है उसका वॉल्यूम कम है। एंगल किसका ज्यादा है, V1 का, तो V1 कम है और V2 ज्यादा है। सो आंसर इज V2 इज ग्रेटर देन ऑफ V1, V2 हो जाएगा बड़ा और V1 हो जाएगा छोटा। ये सिचुएशन हमारे सामने आने वाली है बच्चों। तो बच्चों कुल मिलाकर हमने गैस के तीनों लॉ पढ़ लिए हैं। बॉयल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, लुसक लॉ क्या है। अब मैं ऐसा करता हूं कि तीनों लॉज को एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन सा बनाते हुए आपके सामने लिख देता हूं। देखो तीनों लॉज में क्या है, पहला लॉ जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, दूसरा लॉ जब प्रेशर कांस्टेंट है, तीसरा लॉ जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। पहला लॉ जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, दूसरा लॉ जब प्रेशर कांस्टेंट है, तीसरा लॉ जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहां टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, यहां प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। जैसे अगर मैं इस रूम की बात करूं तो इस रूम का प्रेशर 1 atm है, 1 atmospheric प्रेशर है, चेंज तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि हम प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट पर है और प्रेशर कांस्टेंट रहता है चार्ल्स लॉ में, यानी इस रूम के अंदर अभी चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल है बच्चों, चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस रूम पर आपका वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। क्यों, क्योंकि रूम बंद है ना, तो रूम का वॉल्यूम बढ़ रहा है ना घट रहा है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर लुसक लॉ भी एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल नहीं है। टेम्परेचर हो सकता है कि बढ़ जाए, हो सकता है कि डिक्रीज कर जाए, ये हमारे पास में तीन कंडीशन है। इसे हम लोगों ने नाम दिया बॉयल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ है, ये लुसक लॉ है। इसमें हमने क्या सिचुएशन पढ़ी, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें हमने क्या पढ़ा, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें आपने क्या पढ़ा, प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये पढ़ा बच्चों हम लोगों ने। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखिएगा। प्रेशर के और वॉल्यूम के बीच का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का है, वॉल्यूम के और टेम्परेचर के बीच का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का है, प्रेशर के और टेम्परेचर के बीच का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का है। मैंने आपको निकालना सिखा दिया है कि कौन वैल्यू बड़ी होगी और कौन वैल्यू छोटी होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, ओके बच्चों, अब यहां से हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। देखो हमारे पास में अगला पॉइंट आता है बच्चों, आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, आइडियल गैस क्या है और आइडियल गैस की इक्वेशन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं यार आइडियल गैस क्या है, बहुत आसान है, चार पॉइंट बनाकर पूरी आइडियल गैस की कहानी हम आपके सामने कहेंगे। आइडियल गैस क्या है, वो गैस जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और लुसक लॉ को सक्सेसफुली वेरीफाई करती है। वो गैस जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और लुसक लॉ को वेरीफाई करती है, ओबे करती है,
उस गैस को हम आइडियल गैस का नाम देंगे। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज क्या है? दो मेन प्रॉपर्टी है, वैसे तो प्रॉपर्टी बहुत सारी है, लेकिन दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनसे हम सारी प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का साइज कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। यानी हम ये मानकर चलेंगे आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का कोई भी साइज नहीं है। देयर इज नो साइज ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का कोई साइज नहीं है, बहुत छोटा है आइडियल गैस का मॉलिक्यूल। नंबर टू पॉइंट क्या है बच्चों? नंबर टू पॉइंट ये है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी अट्रैक्शन काम नहीं करता है। देखो, हम लोग 9th 10th 11th क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स काम करता है बच्चों। तो बच्चों, आइडियल गैस के मैंने आप लोगों को पहले डेफिनेशन बताई कि वो गैस जो गैस के लॉज को फॉलो करेगी वो आइडियल गैस है। दो खास बातें हैं आइडियल गैस को लेकर। एक तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का साइज बहुत ही छोटा होता है, बहुत बहुत नेग्लिजिबल होता है बिल्कुल। दूसरा, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी अट्रैक्शन काम नहीं करता है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में बिल्कुल भी अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हमारी बात होगी बच्चों आइडियल गैस को लेकर। अब हम बच्चों बात करेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। देखिए, हमारे पास में आइडियल गैस इक्वेशन तीन तरीके की है बच्चों, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये हमारे पास में नंबर वन आइडियल गैस इक्वेशन है। पी इज द प्रेशर, वी हो गया है वॉल्यूम, एन हो गया है नंबर ऑफ मोल, आर हो गया है गैस कॉन्स्टेंट, और टी हो गया है टेम्परेचर, ठीक है। आर की वैसे तो कई सारी वैल्यूज होती हैं, 0.0821, कैपिटल आर इज इक्वल टू 1.98, कैपिटल आर इज इक्वल टू 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये सारी कैपिटल आर की वैल्यूज हैं बच्चों। ये हमारे पास में पहली आइडियल गैस इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हम बहुत सारी प्रॉब्लम इसके ऊपर बनाएंगे। पीवी इक्वल टू एनआरटी, पी इज द प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, गैस कॉन्स्टेंट, और टी हो गया है टेम्परेचर। नंबर टू पर देखते हैं, नंबर टू पर क्या है? PV इज इक्वल टू NKT, ये भी हमारे पास में एक आइडियल गैस इक्वेशन है। ये तो है N नंबर ऑफ मोल के लिए, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स के लिए बच्चों, ठीक है। और ये है हमारे पास में N मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर मॉलिक्यूल्स की बात होगी तब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, अगर मोल्स की बात होगी तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, और अगर मॉलिक्यूल की बात होगी तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ये जो के आपको दिख रहा है बच्चों, इस के का नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू रहती है 1.38 × 10²⁰ जूल पर केल्विन, ये इसकी वैल्यू रहेगी 1.38 × 10²⁰ जूल पर केल्विन, ठीक है। अच्छा बच्चों, जो थर्ड इक्वेशन हमारे पास में रहनी है वो रहेगी पीवी इज इक्वल टू स्मॉल एम स्मॉल आर टी, पीवी इज इक्वल टू स्मॉल एम स्मॉल आर टी, ये थर्ड इक्वेशन रहेगी। ये तो हो गया है मोल, ये हो गया है मॉलिक्यूल, ये हो गया है मास। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्मॉल एम है ये मास का काम कर रहा है। अगर आप किसी भी मास के ऊपर आइडियल गैस इक्वेशन लगाओगे तो वो इक्वेशन कुछ ऐसी रहेगी। स्मॉल आर का नाम है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू रहने वाली है आर अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल एम है गैस का मॉलिक्यूलर मास, गैस का मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चों, कुल मिलाकर हमारे पास में तीन तरीके की आइडियल गैस इक्वेशन है। फर्स्ट, पी वी इक्वल टू एनआरटी,
सेकेंड पी वी इज इक्वल टू कैपिटल एन कैपिटल के टी. थर्ड पी वी इज इक्वल टू स्मॉल एम स्मॉल आर टी. कुल मिलाकर हमारे पास में तीन आइडियल गैस इक्वेशन है. पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन के टी, पी वी इज इक्वल टू स्मॉल एम स्मॉल आर टी. ये मोल के लिए है, ये मॉलिक्यूल के लिए है और ये मास के लिए है. ठीक है, ये मास के लिए है. ओके बच्चों, तो आज की क्लास में हमने आप लोगों को एक तो वीन लॉ बताया, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का बचा हुआ एक टॉपिक. उसके बाद हमने आपको बताया कि गैस के लॉज क्या है, बॉयल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, लुसक लॉ क्या है. उसके बाद हमने आपको बताया कि आइडियल गैस होती क्या है. क्या होती है आइडियल गैस? वो गैस जो गैस के लॉज को फॉलो करती है आइडियल गैस है. दूसरी बात, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? दो मेन प्रॉपर्टी है. मैंने कहा प्रॉपर्टी खूब सारी हैं, लेकिन दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिससे हम सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं. पहली प्रॉपर्टी, इसके मॉलिक्यूल का साइज ना बहुत छोटा होता है. दूसरी प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन काम नहीं करता है. और ये आइडियल गैस की तीन इक्वेशन है बच्चों हमारे पास में. पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन के टी, पी वी इज इक्वल टू स्मॉल एम स्मॉल आर टी. कल हम लोग इनके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे और जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे. बच्चों मैं उम्मीद करता हूं को आपको बात में समझ आ रही, आपको बात समझ आ रही होगी. जो भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम रहे या कोई टॉपिक आप लोगों को समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं कि हम लोगों को ये टॉपिक समझ नहीं आया है. हम उसके ऊपर कोई दूसरी ऑल्टरनेट वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचाएंगे और उम्मीद करेंगे कि फिर आप उस टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे. ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है.